अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अदर व्लॉग गाइस। अलविदा जुमा, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के सारे रोज़े अच्छे गए होंगे। अल्लाह पाक ने हमें खैर वाफिया से अलविदा जुम्मे तक पहुंचाया और हमने जितने भी इबादतें की, जितने भी रोज़े रखे, अल्लाह पाक हम सबकी इबादतें रोज़ों को कबूल अता फरमाए और सबके बहुत अच्छे 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 मुझे कमेंट्स आए, मैंने पढ़े, मुझे बड़े अच्छे लगे कि सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। तो जज़ाकअल्लाह खैर, आप लोगों ने इतनी विशेज़ मुझे दी और सबके यही कमेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई होम टूर दें, होम टूर दें, होम टूर दें। तो गाइस, होम टूर भी मिलेगा, डोंट यू वरी, होम टूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और असल में घर लेना, उसको सेट करना, उसकी रेनोवेशन करना, फिर उसके बाद आपको शिफ्टिंग करना, कहीं से कहीं मूव करना, ये आसान नहीं होता। और आज मैंने लगाई मशीन क्योंकि हमारी मासी आज थोड़ी डाउन थी। फिर हमने कहा चलो यार, उसके साथ थोड़ा काम कराया जाए, काम कराया जाए। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं हूँ ना, मैंने कहा चलो मैं मशीन लगाऊँ। मैंने मशीन लगाई और इस वक्त अम्मी फैला रही हैं कपड़े। अम्मी ने कहा चलो मैं कपड़े फैला देती हूँ, मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अम्मी यहाँ कपड़े फैला रही हैं। और आज मैंने अपनी गाड़ी पे भी थोड़ा बहुत पानी मारा, मैंने कहा चलो इसको भी चमका लूँ मैं, क्योंकि ये भी तो मेरी जान है। पानी देख रहे हैं ये? हाँ, ये जी, यही पानी, ये मेरे ही घर से पानी मैंने पाइप से निकाल के बहाया है पानी। और मुझे पानी का काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं कहती हूँ बस ना मुझे कपड़े धुलवा लो, मुझसे बच्चों को नहलवा लो, मुझसे घर धुलवा लो, बस मुझसे बर्तन वगैरह नहीं धुलते। और खाना भी पका लो, अम्मी सही कह रही हैं, एक से एक खाना भी बना लेती हूँ। और इस वक्त गर्मी है काफ़ी, पर यहाँ पे फिर भी थोड़ी हवा चल रही है। और आप लोगों को होम टूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? और आज तो नहीं मिलेगा, पर मिलेगा, जल्दी मिलेगा, ईद से पहले मिलेगा। और बाकी आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि और आज रहमान ने जी मेरे वाले पजल्स लेके आई थी। नहीं देखें, और रहमान का आउटफिट अलविदा का, बहुत रोज़े की मैंने तैयारी की है क्योंकि अभी बिल्कुल मैस हो रहा है सब। वो देखें थोड़ी सी किचन की हालत कितनी मैस हो रही है, अभी गंदगी हो रही है क्योंकि कुछ भी सेट नहीं किया है अभी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत अफ्तारी बनाई है और खाना भी बनाया है मैंने। मतलब तहरी टाइप वो बनाया है मैंने, क्या कहेंगे वो, चावल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। मैंने वही बना दिया, अंडा कुछ तो करना है। और रहमान और अम्मी सो रहे हैं, मैं और रहमान बैठे हुए हैं यहाँ पे, रोज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ा खुले तो इंशाल्लाह 6-10। तो मैं खाना खिला दूँ? वहाँ तो रोज़ा नहीं है, खिला दूँ, भूख लग रही है तो। रोहान इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। रोहान सीधे तरफ, सीधे तो बैठो, इस तरफ हो जाओ, आप उल्टे हो। हाँ, अब नाम देखा, अब ऐसे करके सजदा करें। ओहो, फिर उल्टे, ऐसे ऐसे ऐसे, अब यूं सीधे हो जाओ, अब पढ़ो, अब पढ़ो। और रोहान साहब नमाज अदा कर रहे हैं और माशाल्लाह मेरा प्यारा बेटा है ये। और रहमान क्या हुआ रहमान, कर कर लो नहीं कट जाएंगे होंठ मेरी तरह। और मैं इस वक्त अपने बालों को सुलझाने की पूरी कोशिश में हूँ क्योंकि जब आप नए कटा लेते हो ना फिर आपके बाल बहुत उठते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह कराने की बड़ी मस्ती आती है मुझे, करा लेते हैं फिर पछताती हूँ जी। बाबा की जान, बाबा को मिस कर रहे हो? कितना दो, ओ मेरा बेटा, ये अपने बाबा को बहुत मिस कर रहा है भाई। जी जी, बाबा के लिए दुआ कर लें।
ये अपने बाबा की वहाँ से तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ दुआ कर रहे हैं। तो भाई अब मैं आई हूँ रहमान और रोहान का हेयर कट करवाने के लिए। रहमान बैठ गया है यहाँ, रोहान घूम रहा है यहाँ वहाँ एज़ यूजुअल जैसे घूमता है। और अभी रोहान रहमान की चीज़ें भी लेंगे, है ना रहमान? और अभी रोहान के भी बाल कट जाएंगे, इन लोगों के बाल कटवाने, क्योंकि ईद पे हो जाता है बहुत रश, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जल्दी इनके बाल कटवा लूँ, क्योंकि अभी 4-5 दिन है, 4-5 दिन में बाल अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो अभी रोहान रहमान का कट होगा, रोहान का कट होगा, फिर हम लोग जाएँगे कहीं। और अली की कॉल आ गई है, कॉल के बाद। हेलो, नहीं मैं तो नहीं कर रही थी, नहीं पहले कर रही हूँ विशाल, मैं बच्चों के बाल कटवा रही हूँ। ये यहाँ पर अपने हारून, हाँ हारून, हाँ ये कोई अच्छा था दुकान वाला, मैंने कहा यहाँ से कटवा लूँ। अब मैंने कहा इतना घुमा कर आऊँ तो फिर यहाँ फ्लैट क्यों जाना, चलें चलेंगे, चीज़ मांग रहे हैं। खान के बाल कट गए, रहमान अपने दिखाओ, रहमान के भी कट गए, रहमान के सेट हुआ है और रोहान के पूरे कट हुआ है, मुंह पे लगा है उसके भाई। चलो चलो चलो, ओके बस मूव नहीं करो, वो यहाँ से बाल तुम्हारे झाड़ेगा, वेट करो, हाँ ऐसे रखो। तो भाई घर पे आ गए, कुछ सामान वगैरह लिया था, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें वगैरह वो सेट करूँगी इस बॉक्स में और उसके बाद ऊपर जाऊंगी मैं, सुकून करूंगी और फिर ऊपर जाके पहले ये चीज़ें सजा लूँ, हाँ निकाल दूंगी। ये तुम्हारा नाश्ता भी आ गया रहमान, पापे बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे, बच्चे नहीं बस बच्चे ही खाते हैं यही वाला, बाकी वो वाला तो नहीं खाता, उसको तो नहीं पसंद। मैं तो चीज़ें लगा लूँ, बच्चों की चीज़ें मैंने ना यहाँ पर सारी सेट कर दी हैं खाने पीने की, ये लोग यहीं से ही खा लें, यहीं से ही पी लें, यहाँ से ये लोग तो नहीं खा सकते, मैं ही निकाल के दूँगी उनको, वरना ये लोग तो सारी खा लेंगे, मैंने कहा ये लोग तो सारी खा लेंगे यहाँ से। हो गया सब कुछ मैंने कर लिया, उसके बाद मतलब आज के जो मेरे काम थे, पेंडिंग काम थे, वो आज नहीं हो सके, वो कल होंगे। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि आज मैं आप लोगों को होम टूर नहीं दे सकती, वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो मुकम्मल नहीं हुई, जो मुझे मुकम्मल करनी थी, क्योंकि बच्चों के साथ अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ किसी ने एक कमेंट किया था नीचे कि आपके हस्बैंड ने क्या दूसरी शादी की हुई है, तो पहली बात ये कि जो दूसरा लफ्ज़ है वो हम लोगों के लिए बना ही नहीं है, ना मेरे लिए ना अली के लिए, क्योंकि शादी तो बहुत दूर की बात है, यार अल्लाह ना करे ऐसा हो, बस मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अल्लाह पाक सब कुछ देखते हैं, अल्लाह पाक को सब कुछ पता होता है। और जितना मैं अली से प्यार करती हूँ, जितना मैं उसका ख्याल करती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब कि मुझे डच करेगा या उसे करना चाहिए। और प्लीज़ यार आप लोग इतनी नेगेटिव बातें ना किया करें, पॉजिटिव बातें किया करें। अगर आप लोग किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते तो आप लोग बुरा भी ना बोला करें ना। और सेकंड थिंग इज़ के मैं घर अकेले शिफ्ट कर रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसका रीज़न कतई ये नहीं बनता कि मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता या मैं उससे प्यार नहीं करती या उससे घर का, चीज़ों का, बच्चों का ख्याल नहीं है। वो ना होते हुए भी हम लोगों को बहुत हेल्प करता है, हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है उसी के रेफरेंस से, उसी के फ़ोन कॉल से
लोग आते हैं, घर में काम करते हैं, घर से काम करके जाते हैं। हम बाहर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो जाहिर सी बात है लोग नहीं कर सकते, वो हमें पर्सनली करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं, तो यार इतनी बुराइयाँ, तो यार आप किसी के, फिर मैं वही बात कहूँगी कि जैसे कि अभी एक बंदे ने मुझे रोस्ट किया था, तो उस पर भी यही बात, प्यार मोहब्बत ये वो। तो भाई प्यार मोहब्बत है तो प्यार मोहब्बत बताएंगे ना। जैसे आप नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हो, तो मैं प्यार को प्रमोट करती हूँ। और मियाँ बीवी हलाल रिश्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो अगर आप लोग इस बात में बोलें यार ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो, तो भाई हमें पता है क्या हमारे लिए ठीक है और क्या गलत है, तो प्लीज़ ना बताया करें। और जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो हमसे नफ़रत भी करते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की नफ़रत की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। अगर आप लोग इतनी नफ़रत ना करते तो हमें तो कोई जानता ही नहीं, है ना, चाहे अच्छे सेंस में चाहे बुरे सेंस में। तो अल्लाह पाक हर किसी को उसके नसीब का देता है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। हाथ में भी मेरे दर्द हो रहा है, पर आप लोगों की ज़बान की जो करवाहट है ना, शायद कि वो कभी ख़त्म हो, और मैं चाहती हूँ वो बरकरार रहे। वो तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी, क्योंकि जब बात वो एक कमेंट की आई ना, तो वो मेरे दिल तो बच्चा है जी वाली फीलिंग आ गई मुझे। जी आ रही हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं ना, अली हो ना हो, ऐसे बच्चे मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि मम्मा हम हैं, राबिया हम हैं। तो जी बात ऐसी है कि अभी होम टूर नहीं मिलेगा आप लोगों को, अभी बातें करो तुम लोग, अभी और बातें करो। तो इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन नेक्स्ट व्लॉग। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।